वेलकम बैक टू चॉर्ट्स का सचिन वाइसर टेक्स। सो गाइस यहां पे वीवो का ट्रू वायरलेस ईयरफोन नियो जो कि गाइस यहां पे फाइनली लॉन्चिंग कंफर्म हो गई है और यहां पे इसकी लॉन्चिंग डेट प्लस यहां पे इसके फीचर्स एंड प्राइसिंग सब कुछ यहां पे आ गया है। सो गाइस यहां पे इस वीडियो में आपको वीवो का जो न्यू ट्रू वायरलेस ईयरफोन नियो इसके फुल फीचर्स फुल डिटेल्स एंड फुल प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। सो इसके लिए आप वीडियो देखते रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चलेगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे गाइस वीवो का जो न्यू ट्रू वायरलेस ईयरफोन नियो जो लॉन्च हो रहा है यहाँ पे स्पेशली लॉन्च हो रहा है X50 स्मार्टफोन के जरिए जो कि यहाँ पे वीवो के आने वाले सीरीज है कुछ दिनों में आएगा। लेकिन यहाँ पे वीवो का जो ट्रू वायरलेस ईयरफोन नियो है ये गाइस फाइनली यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि ये लॉन्च होने वाला है। प्लस यहाँ पे इसकी प्राइसिंग भी आ गई है और साथ ही साथ इसके जितने भी फीचर्स इस ट्रू वायरलेस ईयरफोन में आपको मिलेंगे वो सारे फीचर्स यहाँ पे आ गए हैं। जहाँ पे गाइस इसमें आपको जो बैटरी यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ाई गई है चार्जिंग केस की और ट्रू वायरलेस ईयरबड्स की भी, और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ से रिलेटेड बिल्कुल लेटेस्ट कोडेक मिल जाता है जो कि गाइस यहां पे फास्ट पेयरिंग के लिए होता है और इसे इजीली तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हैं वीवो के हेडसेट से या फिर वीवो के डिवाइसों से। जहां पे एक बार कनेक्ट करने के बाद ये गाइस बस उसके करीब ले जाएंगे वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, ये सिस्टम इसमें मिल जाता है। ऐसे रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं इस वीवो के ट्रू वायरलेस ईयरफोन नियो में। सो गाइस चलिए आपको वीवो के ट्रू वायरलेस ईयरफोन नियो के फीचर्स के बारे में बताते हैं। यहां पे गाइस वीवो के ट्रू वायरलेस ईयरफोन में सबसे पहले चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको फोर्थ जनरेशन का चिपसेट मिलता है क्वालकॉम की तरफ से जो कि गाइस स्पेशली डिजाइन किया गया है ट्रू वायरलेस ईयरफोन एप्लीकेशंस के लिए। इस चिपसेट में गाइस आपको परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेस्ट प्रोवाइड करता है जहां पे जो ऑडियो की क्वालिटी है जो साउंड है वो आपको उसके बेस को काफी ज्यादा बूस्ट करके आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गाइस इसमें आपको कनेक्टिविटी करने के लिए ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलता है जो कि ब्लूटूथ का इस समय का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। और इसमें गाइस आपको जो कोडेक ब्लूटूथ का है वो है APTX एडेप्टिव जो कि गाइस यहाँ पे नियर सीडी क्वालिटी होता है वीवो के वर्ड में इसे बोला जाता है। यहाँ पे ये नियर सीडी क्वालिटी का मतलब कि APTX जो एडेप्टिव गाइस वो आपको स्पेशली ऑडियो को हाई क्वालिटी में ऑडियो आपको प्रोवाइड करता है। और ये जो ब्लूटूथ है गाइस ये ब्लूटूथ का 5.2 का सपोर्ट है, ये बिल्कुल ही लेटेस्ट वर्जन है जहां पे आपको और अच्छी खासी यहाँ पे वॉइस प्रोवाइड करता है ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद। यहाँ पे गाइस इसमें आपको ऑटोमेटिकली स्विचिंग का मोड मिलता है जो कि लो लेटेंसी मोड के लिए होता है। तो यहाँ पे इसमें गाइस ये ऑटोमेटिकली स्विच कर देता है 88 ms का लो लेटेंसी मोड जब गाइस यहाँ पे आप गेमिंग के लिए यूज करते हैं या फिर जब आप वीडियो कॉलिंग करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपने लो लेटेंसी मोड को ये स्विच कर देता है। इसके अलावा इसमें ऑडियो बैलेंसिंग के लिए 14.2 mm का डायनेमिक ड्राइवर मिलता है जो कि स्पेशली इसके ऑडियो के बैलेंसिंग के लिए होता है और बैलेंस करके एक बैलेंस्ड ऑडियो आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे गाइस इसमें आपको 3 dBx मोड मिल जाता है जो कि स्पेशली यहाँ पे इसका फर्स्ट जो है इसका काम होता है जो इसका बेस है उसको ऑप्टिमाइज करता है, दूसरा ट्विंड फॉर वॉइस के लिए होता है और यहाँ पे जो तीसरा गाइस ये फोकस करता है हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जो कि स्पेशली इस ट्रू वायरलेस ईयरफोन में चाहिए। और इस 3 dBx मोड की मदद से गाइस यहाँ पे आपको एक बेटर से बेटर ऑडियो प्रोवाइड करता है ये वीवो का ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। यहाँ पे गाइस इसमें आपको स्पेशली 2 माइक्रोफोन डिजाइन किया गया है जिसमें से एक स्पेशली नॉइस कैंसिलेशन के लिए होता है और जो दूसरा होता है गाइस वो यहाँ पे वॉइस कॉल के लिए होता है जो कि यहाँ पे बिल्कुल एंबिएंट नॉइस जैसे आपको साउंड प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये IP54 रेटेड है जो कि यहाँ पे रेन एंड यहाँ पे स्वीट रेसिस्टेंट है और इजीली तरीके से आप स्वीट एंड रेन में यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस इसमें स्पेशली टच कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है जो कि स्पेशली इसके डिजिटल असिस्टेंट के लिए होता है और यहाँ पे टच कंट्रोल से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो वीवो के स्मार्टफोन है उससे यहाँ पे काफी सीमलेस तरीके से ये डिटेक्ट करता है। जहाँ पे गाइस यहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर पेयर कर दिए तो उसके बाद जैसे ही आप इसके करीब लाते हैं ये ऑटोमेटिकली पेयर कर लेता है अपने फोन से ये हेडसेट और काफी अच्छे तरीके से यूज भी कर सकते हैं वीवो के स्मार्टफोन के साथ। इसके अलावा गाइस यहां पे इसमें बैटरी की बात करें तो यहां पे ये जो वीवो का ट्रू वायरलेस ईयरफोन है गाइस इसमें आपको 5.2 और का प्लेबैक मिलता है इसके ईयरबड्स में जब यहां पे आप AAC कोडेक यूज करते हैं। लेकिन यहां पे APTX जो एडेप्टिव कोडेक है इसको जब आप यूज करते हैं तो इसमें आपको 4.2 और का बैटरी बैकअप मिलता है क्योंकि ये हाई क्वालिटी ऑडियो के लिए होता है। यहां पे इसमें जो चार्जिंग केस है इसमें आपको 27 आवर का प्लेबैक मिलता है सिंगल चार्ज में और 27 आवर तक आप चार्ज कर सकते हैं अपने ट्रू वायरलेस ईयरफोन को। जहां पे चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए USB Type-C का पोर्ट मिलता है जो कि काफी फास्ट तरीके से इस चार्जिंग केस को चार्ज करता है। और गाइस ये कुछ यहाँ पे वीवो के ट्रू वायरलेस ईयरफोन नियो के फीचर्स जो कि बहुत ही कमाल का ट्रू वायरलेस ईयरबड्स ये स्पेशली वीवो की तरफ से लॉन्च हो रहा है और काफी बेस्ट फीचर भी है। लेकिन यहाँ पे इसकी जो प्राइसिंग है वो आपको काफी ज्यादा कम मिलती है कंपेयरिंग टू इस समय की जितने भी ईयरफोन।
फोन आ रहे हैं। यहाँ पे इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग गाइस यहाँ पे 500 यूआन मिलती है जो कि यहाँ पे $70 के करीब आती है, जो कि यहाँ पे यूरो में 63 यूरो के करीब आती है। तो काफी कम प्राइस में ऐसा बेस्ट फीचर ट्रू वायरलेस ईयरफोन है। यहाँ पे ये चाइना में लॉन्च किया गया है, जहाँ पे गाइस आप चाइना में परचेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वीवो स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा और आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये कुछ इसके फीचर्स, डिटेल्स एंड प्राइसिंग। आई होप आपको इसके सारे फीचर्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। अगली वीडियो में डू सम न्यू, डू सम डिफरेंट। थैंक फॉर वॉचिंग।